हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल जॉब्स। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लाइव सीखेंगे कि आपने बजाज फाइनसर्व के द्वारा आरबीएल बैंक का जो सुपर क्रेडिट कार्ड लिया है उसके द्वारा फ्रेंड्स हम बुक माई शो के ऊपर जाकर कैसे 1+1 फ्री मूवी टिकट ले सकते हैं या फिर कह लीजिए बाई वन गेट वन फ्री मूवी टिकट भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यह कोई ट्रिक नहीं है बल्कि आपकी जो आरबीएल बैंक के द्वारा सुपर कार्ड दी गई है यह उसकी फीचर है, बेनिफिट है, जिसे कि आप बुक माई शो के ऊपर जाकर जब एक टिकट खरीदते हैं तो आपको दूसरा टिकट जो है वो फ्री मिल सकती है। फ्रेंड्स, यहां मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि फ्रेंड्स आपको आरबीएल बैंक की जो सुपर क्रेडिट कार्ड दी गई है तो सभी सुपर कार्ड के साथ जो है यह ऑफर एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन हर एक कार्ड के साथ जो है अलग अलग ऑफर जो है एप्लीकेबल होती है। तो यह जो आपको जो है बाय वन गेट वन फ्री मूवी टिकट जो है यह आपको बजाज प्लेटिनम प्लस सुपर कार्ड के साथ है, साथ ही और भी कुछ कार्डों के साथ जो है यह ऑफर एप्लीकेबल होता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो में हम आगे देखेंगे कि किस किस कार्ड के ऊपर जो है क्या क्या ऑफर है, यह जो है ऑलरेडी बुक माई शो के ऊपर जो है डिटेल में दिया हुआ है। और साथ ही फ्रेंड्स, आपने जो भी प्लेटिनम सुपर कार्ड ली हो या फिर चॉइस सुपर कार्ड ली हो या फिर वर्ल्ड प्राइम सुपर कार्ड ली हो, उस कार्ड के फीचर में भी आपको मालूम होगा कि आपके कार्ड के ऊपर बुक माई शो के ऊपर क्या ऑफर दिया गया है। यदि आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसकी फुल डिटेल जो है प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब कुछ लाइव सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जोशी और आप देख रहे हैं टेक्निकल जोश। फ्रेंड्स, वैसे तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन फ्रेंड्स आपको एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कि उन्होंने इस ऑफर का यूज करके आपको टिकट कट किया हो। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप मान लेते हैं कि बुक माई शो से फर्स्ट टाइम भी यदि आप टिकट कट कर रहे होंगे तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने एक भी पार्ट को कट नहीं किया है, नहीं मिस किया है, तो आप इस वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, यदि आपके पास आरबीएल बैंक का सुपर क्रेडिट कार्ड है तो इस ऑफर के द्वारा आप लाभ भी ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लाइव टिकट कट करना तो देखेंगे ही, साथ में मैंने आपको यह भी बता दिया है कि टिकट कट करने के बाद जो है वो आपको कहां से फिर वापस मिलेगा जब आप सिनेमा हॉल में जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैंने अपने एक छोटी सी ब्लॉगिंग की क्लिप भी डाली है जिसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको उनको यह QR कोड कर लीजिए या फिर बुकिंग ID शो करनी है। फ्रेंड्स, यह वीडियो रिकमेंड की गई थी हमारे एक व्यूअर हैं रोहित जी, इनके द्वारा। तो इन्होंने हमसे पूछा था कि कैसे जो है हम अपने आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड का यूज करके 1+1 जो है मूवी बुक माई शो से बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यह वीडियो बनाई है। फ्रेंड्स, आपके मन में भी यदि किसी टॉपिक को लेकर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि उसके जवाब देने के या फिर उनके ऊपर एक वीडियो बनाने की। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने मोबाइल की ओर जहां सीखेंगे हम सब कुछ लाइव। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना बुक माई शो ऐप्स ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हो सकता है कि आपके सामने इस तरह का जो है कुछ एक ऐड चलना चालू हो जाए, तो आप छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके स्क्रीन के ऊपर में आपको नोटिफिकेशन के लिए जो है एक आ रही होगी कि आप अपना जो है गूगल लोकेशन जो है उसको ऑन करना चाहते हैं या नहीं। तो आप चाहे तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं, जिससे होगा यह कि आपका जो है आप करंट किस सिटी में है वह जो है यह डिटेक्ट कर लेगा, तो इससे उसको जो है आपके सिनेमा हॉल को खोजने में आसानी होगी। तो आप चाहते हैं तो यहाँ से भी ओके कर सकते हैं, तो ये आपका जो है गूगल का लोकेशन ऑन कर देगा। और यदि नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से नो थैंक्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो फिलहाल मैं नो थैंक्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो है आपको मैनुअली आपका सिटी किस तरह से चूज करना है वो बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको नीचे में सबसे टॉप नीचे में आप देखेंगे तो आपको राइट साइड में तीन लाइन्स दिख रही होंगी छोटी छोटी, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आप देख सकते हैं आपका जो अकाउंट है, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, यह सब शो हो रहा होगा। और उसके नीचे जो फ्रेंड्स आप इस समय किस सिटी के ऊपर जो है आपका ऐप्स जो ओपन है वो दिख रहा है, तो आप यहां से चाहे तो अपना सिटी जो है चेंज कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है देख सकते हैं कि आपको यहाँ उनकी तरफ से जो कुछ पॉपुलर जो सिटीज़ होंगी यह आपको उसके आइकन्स जो है दिख रहे होंगे। लेकिन मान लेते हैं कि आप इनके पॉपुलर सिटीज़ में यदि नहीं आते हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से सपोज़ पटना कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैं पटना के लिए भी बुकिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं जो है एक सिटी है हमारा कर्नूल, तो मैं जो है कर्नूल के लिए बुक करना चाहता हूँ। तो मैं फिर से नीचे लाइन पर जाऊँगा और यहाँ से अपना सिटी जो है इसे कर्नूल कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो है मैं फ़िलहाल अपना सिटी जो है वो कर्नूल कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ CURN लिखने के बाद जो है ऑटोमेटिक इसने डिटेक्ट कर लिया, तो मैं यहाँ से कर्नूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हमारे सामने कर्नूल में जितनी भी मूवीज़ लगी हुई है, जो इवेंट है, वो सब शो होनी चालू हो जा रही है। तो मैं जो है यहाँ से फ़िलहाल उड़ी जो मूवी है उसको बुक करना चाह रहा हूँ, तो आप उड़ी के ऊपर क्लिक कर दीजिए।
क्लिक करने के बाद जो फ्रेंड नीचे आपको दिख रहा होगा बुक टिकट, तो मैं बुक टिकट के ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो है आपको डेट चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, लेकिन फिलहाल मैं आज के ही डेट रहने देता हूँ क्योंकि मुझे मूवी आज देखनी है, तो मैं डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ जो है आपको सिनेमा हॉल जो है किस किस सिनेमा हॉल में यह जो है लगी हुई है मूवी वह सब शो होनी चालू हो जाएगी। तो फिलहाल यह मूवी जो है हिंदी में सिर्फ एक ही सिनेमा हॉल है ज्योति मॉल, उसमें लगी हुई है और उसके जो टाइमिंग्स है यहाँ दिखाई दे रही है, तो सभी के ऊपर ग्रीन है, मतलब कि सभी में सीट जो है वो अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं 1:30 के लिए जो है मैं यहाँ बुक करना चाहता हूँ, तो मैं 1:30 PM के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने यह कुछ टर्म एंड कंडीशन जो है शो करेगी, तो चलिए इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद जो है फ्रेंड्स यह आपसे पूछता है कि आप कितने सीट जो है बुक करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जो है इस बुक माई शो के तहत जो है 1+1 मूवी फ्री पाने के लिए कम से कम 2 टिकट तो बुक करनी पड़ेगी, तभी तो आपकी 1 टिकट बुक हो पाएगी फ्री में। तो आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है वो 150 है, तो 2 आदमी का जो प्राइस होगा वो लगभग 300 हो जाएगा। तो आप यहां से लगभग सेलेक्ट सीट कर लीजिए, पहले आपको सेलेक्ट सीट का ऑप्शन मिलता है, तो चलिए मैं मिडिल में ऊपर की 2 सीट जो है चूज कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स इसमें जो व्हाइट जो आपको दिख रहा है व्हाइट वो सब जो है आपका फ्री सीट है, मतलब कि आपको जो खाली जो सीट है वो सीट हो रहा है, और जो भरा हुआ आपको थोड़ा ब्राउन कलर का दिख रहा है वो सब सीट ऑलरेडी किसी ने परचेज कर रखा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आपको इसका जो ग्लास दिख रहा होगा कि आपका जो स्क्रीन किधर है वो आपको दिख रहा होगा। तो चलिए मैं मिडिल की एक सीट जो है मैं प्रीफर करता हूँ, कभी भी मिडिल वाली सीट, तो मैं मिडिल वाली जो है ऊपर से 2 सीट जो है वो ले लेता हूँ, 12 and 13 यानी 12 and 13। तो आप देख सकते हैं इसके लिए हमारा जो है 150 rupees इस टिकट का दाम था, तो इसके लिए हमें पे 300 जो है दिखा रहा है कि आपको, तो मैं जो है पे 300 के ऊपर जो है क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है फ्रेंड्स आप इनके पेमेंट गेट के पे के ऊपर जो है चले जाएंगे। उसके बाद जो है फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इंटरनेट हैंडलिंग का जो फीस है इन्होंने 41 rupees जोड़ दिया है, और डोनेट टू बुक ए स्माइल के ऊपर भी 2 rupees जोड़ दिया है। तो चाहे तो आप ये जो है 2 rupees को रिमूव कर सकते हैं, चलिए मैं फ़िलहाल जो है इसे रिमूव कर दिया हूँ, लेकिन जो इनका जो इंटरनेट हैंडलिंग फ़ीस है वो आपको लग जाएगी दोनों आदमी की, यानी कि एक आदमी के लिए लगभग आपको 20 या 21 rupees जो है पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमें जो है अपना ऑफ़र का लाभ यहीं से उठाना है। आप देख सकते हैं मैंने इससे पहले जो है एक कार्ड को यहाँ से ऐड किया था, तो वो कार्ड दिख रहा है, तो फिलहाल मुझे उस कार्ड से पेड नहीं करना है बल्कि मैं अपने ऑफ़र के तहत इसे लेना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ अनलॉक ऑफ़र एंड अप्लाई प्रोमो कोड्स का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स आपको नीचे जो है एक पे का ऑप्शन दिख रहा है, आपको फिलहाल इस पे वाले ऑप्शन पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। यदि आप यहाँ एक बार क्लिक कर देते हैं तो फिर आप इस ऑफ़र का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस पर क्लिक करने से पहले आप अपने ऑफ़र को पहले चूज कर लीजिए। तो चलिए मैं अनलॉक ऑफ़र के ऊपर क्लिक करके इसे ओपन करता हूं। तो फ्रेंड्स जितनी भी अवेलेबल ऑफर्स हैं वो सभी जो है यहां ओपन हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स फिलहाल जो है हमारा जो है वो क्रेडिट कार्ड है RBL बैंक का, तो मैं यहां से देख सकते हैं सबसे ऊपर का जो है हमारा क्रेडिट कार्ड वो वाला ऑप्शन चूज करता हूं। चूज करने के बाद जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जितनी भी क्रेडिट कार्ड से अवेलेबल ऑफ़र हैं आपकी बुक माई शो पर सभी शो होनी चालू हो जाएंगी। तो हमारा जो है वो RBL बैंक का सुपर कार्ड है, तो आप इसमें सर्च कर लीजिए। RBL बैंक से भी रिलेटेड बहुत सारी जो ऑफ़र दिखेंगे आप, जैसे देख सकते हैं RBL बैंक से 10% डिस्काउंट का ऑफर है, तो हमें वो नहीं चाहिए। बल्कि आप देख सकते हैं RBL बैंक क्रेडिट कार्ड इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ़र, ये भी नहीं चाहिए मुझे। मैं जो है RBL बैंक का सुपर कार्ड वाला ऑप्शन चूज करूंगा। तो आप ऊपर जब जाएंगे तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ मिल जाएगा आपको बजाज फाइनसर्व RBL बैंक सुपर कार्ड ऑफर, तो आपको ये वाला जो है ऑप्शन चूज करना है। इसमें देख सकते हैं बाय वन गेट वन मूवी फ्री अप टू 100 1 मंथ वाला जो ऑप्शन आपको है वो चूज कर लेना है। तो चलिए मैं चूज कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह जो वैलिड है वो वेब एंड ऐप्स दोनों पर जो है वैलिड है, और इसका जो है वैलिड टील जो है वो 31 दिसंबर 2019 तक जो है आप इस ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं। और इस ऑफ़र के बारे में और भी डिटेल जो है आपको दिए हुए हैं, जब आप इसे ऊपर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड जैसे क्या है कि बजाज फाइनसर्व का सुपर कार्ड जो है बहुत ही वेरियंट आता है, जैसे कि आपको बजाज प्लेटिनम सुपर कार्ड हो गया, बजाज प्लेटिनम चॉइस सुपर कार्ड हो गया, या फिर वर्ल्ड प्राइम सुपर कार्ड हो गया, तो अलग अलग सुपर कार्ड की अलग अलग फीचर है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि आपको कौन सा ऑफर जो है मिलेगा, यानी कि आपका सुपर कार्ड कौन सा है। तो फिलहाल फ्रेंड्स हमारा जो कार्ड है वो बजाज फाइनसर्व का बजाज प्लैटिनम सुपर प्लस कार्ड है। तो देख लीजिए कि सुपर कार्ड के ऊपर जो है इस सुपर कार्ड के ऊपर जो है क्या ऑफर है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि तीसरा जो नंबर है हमारा कि बाय वन टिकट एंड गेट वन फ्री अप टू 200 once a month विथ योर बजाज फाइनसर्व RBL बैंक प्लैटिनम प्लस सुपर कार्ड,
ऑफर इज़ वैलिड फॉर टिकट बुकड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे फॉर शो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि आप मैक्सिमम जो है 200 रुपये का जो टिकट है उसके ऊपर आप यह लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक टिकट का दाम ऑलरेडी हमारा 150 रुपीज़ ही था, तो हम जो है इस ऑफ़र का लाभ आसानी से ले सकते हैं। और आज जो है दिन भी लगभग मंगलवार है जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो यह ऑफ़र जो है मंडे से फ्राइडे के बीच वैलिड करेगा। तो चलिए हमारे लिए यह ऑफ़र बिल्कुल अवेलेबल है। और यदि आपका मान लेते हैं कि फ्रेंड्स यदि आपका दूसरा कार्ड है तो आप देख सकते हैं यदि आपके पास चॉइस सुपर कार्ड है तो उसके लिए आपको इसके नीचे वाला जो ऑप्शन दिख रहा है गेट 10% ऑफ अप टू 100 रुपये एवरी मंथ विथ दी योर बजाज फाइनसर्व प्लैटिनम प्लस चॉइस सुपर कार्ड, तो आपको ये वाला ऑप्शन जो है आपको मिलेगा। यानी कि आपको ऑफर जो है इस वाले यदि सुपर कार्ड पे आप चूज करेंगे तो आपको पास यदि आप मान लेते हैं चॉइस सुपर कार्ड है तो आपको ये वाला जो है ऑफर लगेगा। लेकिन हमारा चूंकि बजाज प्लैटिनम प्लस सुपर कार्ड है तो हमारा जो है एक टिकट का ही पैसा लगेगा और दूसरा ऑटोमेटिक जो है वो फ्री हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं नीचे ऑलरेडी ये दिया है कि हाउ टू अवेल दी ऑफर। आप इस ऑफर को चेक कैसे कर सकते हैं कि आपका कार्ड जो है इस ऑफर के लिए अवेलेबल है या नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आपको ऊपर देख सकते हैं जब आप करेंगे तो आपको इंटर योर कार्ड नंबर जो है पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो है आपको अपना जो है कार्ड का नंबर यहाँ डालना पड़ेगा। इस कार्ड के नंबर से ये ऑटोमेटिक जो है डिटेक्ट कर लेगा कि आपका कार्ड इस ऑफर के लिए अवेलेबल है या नहीं, या फिर कौन सा ऑफर जो है आपके कार्ड के ऊपर अप्लाई होगा। तो चलिए मैं अपना कार्ड की डिटेल यहाँ डाल देता हूँ। कार्ड की डिटेल डालने के बाद जो है फ्रेंड आपको सिंपली अप्लाई ऑफर के ऊपर जो है क्लिक करना है। यदि आपका कार्ड इस ऑफर को यदि एक्सेप्ट करता है तो यह अप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ जो है हमारे सामने सक्सेस का मैसेज पॉपअप विंडो जो है आ गया होगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव रिसीव्ड ₹150 ऑफ ऑन दिस ट्रांजेक्शन। यानी कि फ्रेंड्स इस ट्रांजेक्शन के लिए आपका जो है कार्ड पे 150 जो है ऑफ कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आपको जो है इंटरनेट फीस जो है देनी पड़ेगी दोनों टिकट के लिए। यानी कि यहाँ पर जो है सिर्फ टिकट का जो है कॉस्ट जो है आपसे 150 नहीं लिया जाएगा, यानी कि सिर्फ टिकट का जो कॉस्ट है 150 वही फ्री है। आपको उसका जो इंटरनेट सफरिंग जो चार्ज आपने दिया है वो तो आपसे बुक माई शो लेगा ही लेगा। तो चलिए मैं जो है इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है फ्रेंड्स रिमेनिंग अमाउंट जो हमारा बच गया, मतलब टोटल जो है हमारे हो गए थे 341 रुपये, यानी कि 341 रुपीज़। तो उसमें से 150 तो ऑलरेडी हमारा माइनस हो गया, तो बच गए हमारे लगभग 191 रुपीज़। तो 191 रुपीज़ जो है आप इसका पेमेंट जो है इस कार्ड के द्वारा कर दीजिए। तो चलिए मैं जो है अपने कार्ड के सभी डिटेल जो है यहाँ फिलहाल जो है भर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कार्ड नंबर ऑटोमेटिक जो है इसने लिया हुआ है, मुझे सिर्फ इसकी जो है एक्सपायरी डेट भरनी है यहाँ, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर उस आपके कार्ड का CVV कोड भरना है और कार्ड होल्डर नेम, आपका जो कार्ड पे क्या नाम जो है टोटल दिया गया है यह इसके ऊपर जो है आपको भर देना है। उसके बाद के डिटेल जो है आप जो है यहाँ से चाहे तो इस कार्ड को अगले ट्रांजेक्शन के लिए जो है फ्रेंड्स आप चाहे तो इसको सेव करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि इसे सेव रखना, तो मैं इसके ऊपर फिर से क्लिक कर देता हूँ और इसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक्चुअल में यह बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको क्लिक ले लेता है, तो आपको इसे हटा देना होगा। यदि आप चाहते हैं कि यह अगले समय के लिए हमारा सेव करके नहीं रखे तो आप इसे यहाँ से अनचेक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अपने सभी डिटेल जो है मैं डाल देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी जो है पे 191 रुपीज़ जो है हाईलाइट नहीं है, तो जैसे ही आप ये सभी डिटेल जब भरेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो चलिए मैं सभी अपने डिटेल भर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जैसे ही अपने सभी डिटेल को पूरा किया ऑटोमेटिक जो है पे 191 वाला जो एरिया था वो हाईलाइट हो गया। तो चलिए मैं जो है यहाँ पे कर देता हूँ। पे करने के बाद जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इनकी जो है वो प्रोसेस हो रही है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ जो है इनका बिल पेमेंट का जो है प्रोसेस वो चालू हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी जो है हमसे एक OTP नंबर पूछा जा रहा है जो कि बैंक द्वारा जो है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा गया होगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा जो है OTP आ चुका है। तो फ्रेंड्स मैं यह जो है OTP यहाँ डाल देता हूँ और देख सकते हैं फ्रेंड्स यह जो अमाउंट हमसे जो काटा जा रहा है वो ओनली 191 रुपये का ही काटा जा रहा है। तो इससे आपको बिल्कुल कन्फर्म है कि आपका जो है वो अप्लाई कर दिया गया है ऑफ़र और आपसे केवल 191 रुपये ही लिए जा रहे हैं। उसके बाद जो है फ्रेंड्स मैं सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आगे की जो है प्रोसेस जो है वो होनी चालू हो गई है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इनके तरफ से फिर से एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा जिसमें कि आपके टिकट के कॉन्फर्मेशन की जो है फुल डिटेल होगी। आप देख सकते हैं हमारा मूवी का नाम होगा, यह जो है किस डेट के लिए बुक किया गया है, किस डेट के लिए, किस सिनेमा हॉल के लिए, उसकी जो टाइमिंग है
और उस सिनेमा हॉल का नाम क्या है, यह सभी जो है डिटेल यहाँ आपको दिख रही होगी। और हमने कितने लोगों के लिए यह टिकट जो है बुक किया है यह भी आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी संख्या है 2। हमारा मूवी जो है कौन से स्क्रीन में दिखाई जाएगी और उसकी सीट संख्या जो है आप यहाँ देख सकते हैं, उसकी सीट संख्या भी यहाँ दिख रही है EX C12 and C13, यानी हमने वहाँ से जो 12 और 13 जो बुक किया था वो यहाँ से सीट भी कंफर्म आपको दिख रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने बुक माई शो ऑफर के तहत जो है अपने RBL बैंक सुपर कार्ड का जो है यूज़ करके अपना टिकट कंफर्म बुक कर सकते हैं बिल्कुल 1+1 free के तहत। चलिए अब जो है फ्रेंड्स, हम जो है इस डन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो है वापस से अपने होम स्क्रीन पर वापस हो जाएंगे। अब जो है फ्रेंड्स, जब हम अपने सिनेमा हॉल में जाएंगे तो हम अपना टिकट उन्हें किस तरह से दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो है राइट साइड में नीचे आपको दिख रही होगी 3 डॉट, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपको नेक्स्ट कमिंग जो भी आपने टिकट कट करके रखी होगी यह सबसे ऊपर में शो होना चालू हो जाएगा। तो आप उनको यह टिकट जो है दिखा सकते हैं। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है एक QR कोड जो है उनका, जो आपका जो बुकिंग आपने की है वो QR कोड जो है शो हो जाएगी और उसके सभी डिटेल जो है यहाँ जो है शो हो रहे होंगे। आप देख सकते हैं हमने कौन से डिस्काउंट को अप्लाई करके यह टिकट लिया है वो भी फुल डिटेल में दिख रहा है कि टिकट का टोटल जो है रेट था वो 300 हो गया था और आपसे जो है कन्वीनियंस फीस के रूप में 41 रुपीज़ ली गई थी और बुके स्माइल के रूप में कुछ भी रुपए नहीं है और डिस्काउंट जो है यहाँ आप देख सकते हैं 150 रुपये का हमें मिला था, जो कि हमने अपने RBL बैंक सुपर कार्ड का यूज़ करके लिया है। टोटल जो चार्जेस हो गए वो है 191 रुपीज़ की। तो फ्रेंड्स, यह टिकट जो है आप उनको दिखा करके अंदर जा सकते हैं। तो फ्रेंड, फाइनली हम लोग आइनॉक्स सिनेमा हॉल पहुंच चुके हैं ज्योति मॉल में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे आपको जो है आइनॉक्स दिख रहा होगा, ज्योति मॉल लिख के। और फ्रेंड्स, मैं जो है अपने फ्रेंड के साथ आया हूं। आप देख सकते हैं हमारे फ्रेंड भी हैं, इसके साथ की मैंने जो है बुक माई शो से 1+1 मूवी के तहत जो है बुक किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम लोग अपने सिनेमा हॉल की तरफ। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो फ्रेंड्स आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि फ्रेंड्स आपको उसके जवाब जल्द से जल्द देने की या फिर फ्रेंड्स उस टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो ही प्रोवाइड कर दूं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स, जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फ्रेंड्स यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें।